के आज इस मंच पे आ रहे हैं और इंडिया अलायंस की आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां राहुल गांधी जी के लिए। मंच पे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी का जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। एनसीपी से, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, शरद पवार जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। जोरदार तालियां एक बार शरद पवार जी के लिए। सीपीआईएम से सीताराम रचूरी जी का जोरदार तालियों से सभी साथी स्वागत करेंगे। सीताराम जी हमारे बीच में, हमारे मंच पे उपस्थित हैं। तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी जी ने अपने साथी और सांसद डेरेक ओब्रायन जी को भेजा है। जोरदार तालियों से स्वागत डेरेक ओब्रायन जी का। उद्धव जी के साथ उनके पुत्र आदित्य ठाकरे हैं, संजय राव जी हैं, जोरदार स्वागत उनका। अभी मैं अब वक्ताओं की श्रृंखला में अगले वक्ता ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से देवराजन जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। आज इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर मंच पर दिल्ली की हर कोने से लोकतंत्र को बचाने की इस रैली में आए हुए सभी भाई और बहनों, आज हम सभी लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा देश की जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, जो समय सम्मानित हमारा जो धर्म निरपेक्ष परंपरा है, हमारा देश का जो संविधान है, ये सभी आज खतरे में आए हैं। हमारा देश की गणतंत्र को बचाने के लिए, देश की संविधान को बचाने के लिए आज हम सभी लोग यहां पर आए हुए हैं। कभी हम लोगों ने सुना नहीं है, लोकसभा की चुनाव की घोषणा होने के बाद विपक्षी दलों की नेता लोगों के ऊपर इस प्रकार की तानाशाही हम कभी सुना ही नहीं है। एक राज्य के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके जेल के अंदर डालने के बाद देश की मुख्य विपक्षीय दल की बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के बाद हमारा देश की जो संवैधानिक संस्था है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट हो, जो भी संवैधानिक संस्था है, इन सभी संस्थाओं को इस्तेमाल करके पूरा विपक्षी नेता लोगों को जेल के अंदर डालकर किस प्रकार की गणतंत्र की हत्या हो जा रही है इस देश के अंदर, इसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान के अंदर आवाज उठ रहे। इस आवाज को बुलंद करने के लिए आने वाले चुनाव में जो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो गोरी मीडिया से फुला हुआ एक गुब्बारा है नरेंद्र मोदी जी, इन्फ्लेटेड बैलून है, उसको मौका करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। ये 2024 की चुनाव, इस चुनाव में इस गुब्बारे को हमको तोड़ना ही पड़ेगा। ये तोड़ने के लिए किस प्रकार की काम हम लोगों को करना पड़ेगा उसके बारे में इस मंच से आज आह्वान हो जा रहे। हमारे पास यही कवर है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल से रुकेगा नहीं, सिर्फ हेमंत सोरेन जी से रुकेगा नहीं, फिर कांग्रेस पार्टी की अकाउंट बंद करके ये लोग हत्या करने का ये समाप्त नहीं होगा। सभी विपक्षी दलों को
एक एक करके कोई ना कोई कारण बता करके जेल के अंदर डालने के बाद हमारे देश में एक अधिनायकत्व एक ऑटोक्रेसी चलाने का कोशिश में दबे हुए हैं ये लोग। इन लोगों ने ओपनली बोलना भी शुरू कर दिया है अगर हमको 400 सीट मिलेगा तो ये संविधान भी हम बदल देंगे, संविधान के अंदर से हम धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी हटा देंगे, संविधान से समाजवाद शब्द भी हम हटा देंगे जो गणतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द भी खत्म करने के लिए इन लोग पीछे नहीं हटेगा। इसलिए आज हम लोगों का बड़ा जिम्मेदारी है हम लोगों की देश की जनतंत्र को बचाने के लिए, देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, संविधान को रक्षा करने के लिए आने वाले चुनाव में बीजेपी को हारने का जिम्मेदारी आज यहां से हमको शपथ लेकर के निकलना पड़ेगा। बीजेपी हटाओ देश बचाओ ये नारा के साथ हम सभी लोगों को 2024 के चुनाव की तरफ कुछ करना पड़ेगा ये आह्वान देने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक नारा आप लोगों को याद है, यहाँ पर गांधी जी की नारा बुलंद किया हुआ है, दोबारा एक आजादी की आंदोलन का भी जरूरत है। तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा, ये आजादी को रक्षा करने के लिए, ये आजादी को रक्षा करने के लिए फिर हमको ये 2024 की चुनाव का मैदान इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आह्वान के साथ आप सभी लोगों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से धन्यवाद देते हुए मेरा बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। डायस पे जो लोग खड़े हुए हैं वो कृपया सब लोग बैठ जाएं, जो लोग भी स्टेज पे खड़े हुए हैं मेरा उनसे निवेदन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, प्लीज आप पीछे बैठ जाइए। The most respected All India Congress Committee President Sri Mallikarjun Kargeji and most respected our young leader Sri Rahul Ji and all the respected leaders on the dais, dear brothers and sisters, I am Thirumavalavan Member of Parliament, President of VCK from Tamil Nadu. I came here to show our solidarity to condemn the BJP ruling. In the midst of hectic schedule of election campaign, we have gathered here to protect our democracy and our nation. Actually, in Tamil Nadu, we are facing first phase of election. April 19th, I am also one of the candidate contesting again, but I have come here for this historical protest to condemn the arrest of Sri Kejriwal and Hemant Soren and opposite opponent leaders. This is a war between the people of India and BJP Sangh Parivas.
actually we are India block parties are supporting the people of India. To protect our nation. This is great injustice, not only to the Aam Aadmi Party or our leader, young leader, Rahul Ji. Our leader Rahul Ji measured this nation his feet by his feet. He measured the people of India by his heart. He is gaining the people's support across the country. So the BJP and Sangh Parivas are afraid about our Rahul Ji and Kejriwal and young leaders. So that they are doing this kind of anti-national activities. This is not only against Kejriwal. Mr. Kejriwal, emerging like alternative force in our nation, he is Mr. Clean, he is supporting Congress and India Bloc parties, so that BJP arrested him to vindicate. This is nothing but a political vendetta. This is a political vendetta. There is no evidence proof against him to arrest. They didn't expect that Kejriwal will support or will join with India Bloc. Kejriwal, Aam Aadmi Party joined with Congress and India Bloc so that they got feared. So this kind of activities is anti-national one, anti-constitutional. They are misusing the investigative agencies, Enforcement Directorate, Income Tax Wing, and CBI against opposite parties. They blocked the account of AICC. This is unconstitutional and democratic one. US and Germany and UN also condemned BJP government. Our party VCK is one of the part of the India Bloc. On behalf of VCK, I strongly condemn the BJP for arresting our Kejriwal. I appeal the government to release him immediately. I appeal the people of India to defeat the BJP in this election. We will the election. We will form the government in future. Jai Democracy, Jai Constitution. Thank you for this opportunity. Hello. Bahut bahut dhanyawad. Main in bhashanon ke dauran jo mehman stage pe aaye hain ek baar unka naam lena chahta hu taki sabko pata chale aur hum unka swagat karna chahte hain stage pe. Is dauran Congress party ke national president Mallika Arjun Kharge ji aaye hain, unka bahut bahut swagat hai is manch pe. इस दौरान कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं, उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है. इसी दौरान कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी जी आई हैं, उनका हमारे यहां बहुत बहुत स्वागत है. प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से जोरदार ताली बजाइए. अखिलेश यादव जी आपके बीच में हैं. अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप यहां आए, दिल्ली वाले आपको देख के बहुत खुश हैं. यहां पे बिहार से अपने जोरदार भाषण के लिए जाने जाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव जी का जोरदार स्वागत है. तेजस्वी जी, हमारे यहां बहुत बिहार के लोग रहते हैं तो आपके लिए बहुत इंतजार था लोगों का.
हमारे बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला साहब आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। वे आज सुबह फ्लाइट पकड़ के अपने बिजी शेड्यूल से उन्होंने समय निकाला, हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत है। अब हमारे घर के, हमारे अपने पंजाब के हर दिल अजीज, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का जोरदार स्वागत कीजिए। ऐसा लग रहा है पंजाब के भी बहुत लोग हैं आज यहां पे। महबूबा मुफ्ती जी हमारे बीच में काफी देर से हैं और इसी दौरान आपके बीच में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपके दिल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी आपके बीच में हैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट की भाभी को कि प्लीज आप आइए, लोग चाहते हैं कि आप मंच पे आए। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो आई। इसी तरीके से आप सबको याद होगा कैसे झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी आपके बीच में है, आशीर्वाद दीजिए उनको भी। मैं अब मंच पे बुलाना चाहूंगा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को कि वो आपके बीच में आए और वो अपनी बात संक्षिप्त में रखें। मंच पे उपस्थित सभी माननीय नेतागण और मेरे सामने लाखों की संख्या में उपस्थित मेरे देशभक्त देशप्रेमी भाई और बहनों, हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है। अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है, अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा। और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो, सिर्फ हमें नहीं पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लगते होगा, लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है, और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है, और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए मजबूत देश चाहिए, और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं।
और कैसी सरकार है? अरविंद जी को, अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। हेमंत जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। ये कौन सा तरीका है? इनके पास जितने सारे लोग हैं, मैं आपके सामने आने से पहले कुछ पत्रकारों के साथ वार्तालाप कर रहा था और उन्होंने कहा कि उद्धव जी अब उन्होंने इनको साथ में ले लिया, उनको साथ में ले लिया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने लगाए थे उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा नहला धोला कर अपने मंच पर विराजित कर दिया। तो आप क्या विश्वास रख सकते हैं? जितने देश में भ्रष्ट लोग हैं उन सारे लोगों को इकट्ठा लेकर बीजेपी देश को विकास के राह पर लेके जा सकता है? भ्रष्ट लोग देश का विकास कर सकते हैं? तो ये सारी उनकी जो बातें हैं, आज जो अपनी रैली है, किसी ने कहा कि बीजेपी ने इस रैली को ठगों का मेला कहा है। क्या आप सारे लोग ठग हैं? मेरे देश के वासी, मेरे देश प्रेमी लोग क्या ठग हैं? ये तो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं जो भाजपा में हैं, जुमलेबाज लोग हैं। और मैं ये भी जानता हूं, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले उत्तर भारत के सारे किसान दिल्ली आना चाहते थे, नहीं आने दिया। उनके जो रास्ते थे उसमें खिले डाल दिए, उनके ऊपर टियर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया। तो मैं पूरे देश के किसानों का आह्वान करता हूं, आप अन्नदाता हो, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता देव भव हमारी संस्कृति है। जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानती है और जो सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकती है, तो पूरे अब समय है कि पूरे देश के किसानों ने किसानों को आतंकवादी समझने वाली भाजपा सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। जैसे आपकी राह उन्होंने, आपके रास्ते दिल्ली आने से रोकी थी, वैसे अब किसानों ने बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही होगा। और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था, वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ, आपकी बार भाजपा तड़ी पार, आपकी बार भाजपा तड़ी पार। और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे, यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। और फिर से एक बार सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है, आप लड़ाई जीतेगी और हम सब लड़ाई जीतेंगे, प्रजातंत्र जीतेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक रिक्वेस्ट सब साथियों को करना चाहता हूं कि जब सीनियर लीडर्स बोल रहे हों तो उनकी बात को आप ध्यान से सुनिए। उद्धव ठाकरे जी ने बहुत अच्छा नारा दिया, एक बार आप सबको वो नारा दोहराना पड़ेगा। मैंने सुना था मुंबई में भी इन्होंने ये नारा दिया था, अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार। बहुत बढ़िया, अरविंद केजरीवाल। बहुत सुंदर साथियों, मैं एक उद्धव जी ने जो बात कही उस पे मुनव्वर राणा साहब ने एक बात कही है, राहत इंदौरी साहब ने, मैं आपके बीच में रखता हूं। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे जज में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं अब इनवाइट करूंगा पीडीपी से महबूबा मुफ्ती जी को और मैं निवेदन करूंगा, बहुत सारे भारत के बड़े बड़े नेता हमारे बीच में हैं, ये पब्लिक चाहती है सब लोगों को सुने, तो मैं सभी नेताओं को सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, कृपया अपनी बात बहुत छोटे में संक्षेप में रखें। मैं हाथ जोड़ के, मेरे से सब नेता जो है बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, क्योंकि हमें ये मीटिंग 2 बजे तक वाइंड अप करनी है,
और हम चाहते हैं सब लोगों को, सब लोग सुने, सबको मौका मिले, इसलिए सभी नेताओं को करवर निवेदन है अपनी बात को छोटे में, संक्षिप्त में, शॉर्ट में रखें। महबूबा मुफ्ती जी, मंच पे बैठे हुए तमाम लीडर साहिबान, यहाँ रामलीला मैदान में आए हुए हमारे भाई, हमारी बहनें, सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब। आज देश बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ऐसा हाल है, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई कार्रवाई, और सीधे जेल। और शायद कलयुग का अमृत काल इसी को कहते हैं कि आप बिना पूछे, बिना कोई कार्रवाई किए हुए लोगों में जेल में डालते हो। ये मैं उमर खालिद की बात नहीं कर रही हूँ जो पिछले 2 साल से जेल में है। मैं सिद्दीक कपन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोहम्मद जुबैर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ जिनको आप लोग वोट डाल के MLA बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं। कैसे उनपे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के, बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। हमारे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से यही देखा है। हमारे हजारों की तादाद में नौजवान, मैं, फारूक साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों को बंद कर दिया गया और देश को बताया गया कि हम देश हित में कर रहे हैं। जब आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, जब आप कानून का उल्लंघन करते हैं, वो देशभक्ति नहीं, देशद्रोही होता है। जो संविधान का उल्लंघन करेगा वो देशद्रोही है। आज जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है, वहां टेस्टिंग होती है, फिर आपके साथ वही होता है। केजरीवाल जी का क्या कसूर, हेमंत सोरेन जी का क्या कसूर? अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे केजरीवाल, तो ये सारे मीडिया के लोग जो पिछले कई दिनों से करप्शन 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 केजरीवाल कहते हैं, तो ये कहना शुरू करेंगे कि केजरीवाल जैसा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। सिर्फ बात यह है कि केजरीवाल यहां से उठ के बीजेपी में चले जाएं। केजरीवाल का क्या कसूर? उन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल अच्छे अच्छे बनाए जहां से डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर निकलेंगे। उन्होंने लोगों को मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, अस्पताल बनाए, बसेस की मुफ्त। मगर इनको तकलीफ है, इनको इस परिवार से तकलीफ है। ये जो परिवार आप देख रहे हैं, इनको परिवारवाद से तकलीफ नहीं है। अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो ज्योतिराजे सिंधिया को नहीं लेते, अगर परिवारवाद से तकलीफ होती तो जतिन प्रसादा को नहीं लेते, मिलन देवरा को नहीं लेते, राजनाथ सिंह का बेटा पॉलिटिक्स में नहीं होता। इनको तकलीफ है। एक अगर आज भी आदित्य ठाकरे जी बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर परिवारवाद नहीं है। इनको एक परिवार से सबसे ज्यादा तकलीफ है, और वो परिवार जिसने इस देश के लिए जेल में गए, कुर्बानियां दी, इस देश को बनाया, गांधी नेहरू उस परिवार की बात करते हैं। अरे मैं कहती हूँ ऐसे और परिवार पैदा हुए होने चाहिए थे। आज देश जो हमारा चांद्रयान पे पहुंचा, चांद पे पहुंचा, शायद कहीं और पहुंच गया होता। इनका क्या काम है? इनका काम है, इन्होंने कहा हम सवाल पूछते हैं। आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौकरियां नहीं दी, बल्कि यहाँ के नौजवानों के हाथों में लाठी दी, जबान पे नारा दिया, कभी देश का कभी धर्म का, बोला जाओ मारो, लिंच करो, शक्ल देखो क्या खाता है, क्या पहनता है, दाढ़ी कितनी लंबी है। इन्होंने नौजवानों का अपराधीकरण किया, उनको दंगाई बनाया, कहा तुम दंगे करो तुमको जेल नहीं भेजेंगे, मगर हमसे नौकरी का हिसाब मत मांगो, हमसे 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब मत मांगो। इन्होंने
भ्रष्टाचार का इल्जाम हम पे लगाया। अरे चंदा चोरी में जितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, पिछले 75 साल में हमारे मुल्क में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ है। ईडी के जरिए वसूली की इन्होंने, इनकम टैक्स के लिए जरिए वसूली की, ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। आज हम यहाँ पर इसलिए जमा नहीं है कि हमने केजरीवाल जी को अपोजिशन को बचाना है, नहीं, आज हम संविधान को बचाने के लिए यहाँ है। उस संविधान को जिसने आपको वोट दिया है, उस वोट से जिससे आप अपनी सरकार चुनते हैं। अगर आज आप नहीं जागे तो आपके वोट की कोई कीमत नहीं हुई। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान में इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन को रिक किया जाता है अपोजिशन को जेल में डाल के। मेरी आखिर में आप सबसे गुजारिश है, हमारे इंडिया अलायंस के पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, फेसबुक नहीं है, यूट्यूब नहीं है, इनके पास सब कुछ है, गोदी मोदी सारा मीडिया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमारा मीडिया, हमारा अखबार, हमारा फेसबुक आप लोग हो, आप लोगों को जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि केजरीवाल जी हो, हेमंत सोरेन जी हो या कोई और हो, वो जेल में इसलिए है, वो संविधान को बचाना चाहते हैं, आपके वोट को बचाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद महबूबा मुफ्ती जी। अब मैं इस श्रृंखला में इन्वाइट करूंगा CPIML से दीपांकर भट्टाचार्य जी को कि वो आप अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखें, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स हैं, सबको हम चाहते हैं जनता सुन के जाए, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि संक्षिप्त में अपनी बात दीपांकर भट्टाचार्य जी आपके बीच में रखेंगे। मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के तमाम सम्मानित नेतागण और इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में उपस्थित संघर्षशील साथियों, आप सबको इनकलाबी सलाम, जोहर, जय भीम, लाल सलाम। आज चुनाव के बीच में हम लोगों को एक तरह से आपातकालीन इस रैली में शामिल होना पड़ा, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान देख रहा है कि जो चुनाव हो रहा है वो कैसा चुनाव है। केंद्र की सत्ता में काबिज जो शासक दल है वो चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो इस देश में लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, इस देश के पूरे विपक्ष के खिलाफ जंग लड़ रहा है। आप देख रहा है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पूरे देश में पैसा इकट्ठा किया गया और उस पैसों के बल पर सरकारों को गिराया जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, विधायकों सांसदों को खरीदा जा रहा है। जिनको खरीद नहीं सकते, जिनको झुका नहीं सकते, उनको जेल में भेजा जा रहा है। दिल्ली में हमने देखा है आम आदमी पार्टी के कई नेता, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह होते हुए अब केजरीवाल जी खुद ईडी के गिरफ्त में। हमने देखा हमारे झारखंड में हेमंत सोरेन जी इस समय जेल में, बिहार में हमारी पार्टी के जुझारू नौजवान दलित विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल और उनके साथ 22 और साथी फर्जी मुकदमों में फंसा करके उनको जेल में डाला गया, उनकी विधानसभा की सदस्यता छीन ली गई। तो पूरे देश में ये चुनाव नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया और हम लोगों को इस जंग में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए अब निर्णायक लड़ाई लड़नी है, इस लड़ाई को जीतना है। साथियों, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमें याद है कि हिंदुस्तान में जिस समय संविधान लिखा जा रहा था, संविधान सभा में बहस हो रही थी कि भारत को कैसा शासन चाहिए, कुछ लोग थे जो कहते थे कि अमेरिका के तर्ज पर भारत को भी राष्ट्रपति शासन चाहिए, राष्ट्रपति शासित प्रणाली चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान को संसदीय लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता के ऊपर जनता की कम से कम थोड़ा नियंत्रण रहता है, जनता की थोड़ी निगरानी रहती है। आज वो नियंत्रण, वो निगरानी उन तमाम संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश है। अंग्रेजी में एक कहावत है,
एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट करप्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है। आज जब मोदी सरकार ये चाहती है कि देश की पूरी राजनीतिक सत्ता उस सरकार के पास हो, मोदी जी और अमित शाह के हाथ में हो, देश की पूरी संपत्ति वो अदानी और अंबानी के पास हो, तो सत्ता का और संपत्ति का ये जो केंद्रीकरण है ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। और इसीलिए वो डिमोनिटाइजेशन से लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड तक चरम भ्रष्टाचार, हिंदुस्तान में अब तक जितना भ्रष्टाचार हम लोगों ने देखा है अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और इसीलिए इस बार की निर्णायक लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, इस देश में संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को थोपने की साजिश के खिलाफ देश की निर्णायक लड़ाई है। ये मार्च का महीना है, भगत सिंह के शहादत का महीना है, अप्रैल के महीने में चुनाव चलेगा, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती का, फूले के जयंती का समय है। हम सब लोगों को मिलकर के बाबा साहब अंबेडकर, भगत सिंह के सपनों के हिंदुस्तान को बचाने के लिए और मोदी की यह जो तानाशाही है, इसलिए हम कहेंगे मोदी की तानाशाही को धूल चटाओ, इंडिया गठबंधन को विजयी बनाओ, हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करो, भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों का हिंदुस्तान बनाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं जिनको मंच पे बुलाने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि आज तक आपने उनको किसी राजनीतिक मंच पे नहीं देखा होगा। वो हैं जो पिछले कई वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रही थी। अरविंद जी आईआरएस थे, सुनीता केजरीवाल जी भी उनके साथ आईआरएस थी। सुनीता जी ने अपनी आईआरएस की नौकरी रखी और केजरीवाल जी ने त्याग पत्र देके सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जैसे आपके लिए एक संदेश भेजा है, इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान है? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है शेर, ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कभी कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए।
मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है, हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहां जेल में हूं, यहां काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत मां के लिए सोचता हूं। भारत मां बहुत दुखी है, भारत मां दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती तो भारत मां को बहुत दुख होता है। जब भारत मां के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं तो भारत मां बेबस और लाचार महसूस करती है। जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है तो मां को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं तो भारत मां को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत मां को सख्त नफरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी, देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौच नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा,
मंजूर है। दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है। तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है। पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर MSP निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे, मंजूर है। छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है, देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगू है, ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, मंजूर है। मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भरा हूं। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पति को। अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अंत में मैं सभी लोगों इंडिया अलायंस के लोगों का भी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि इस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, लड़ेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा सुनीता केजरीवाल जी का कि वो पहली बार मंच पे आई और उन्होंने अपनी बात भी रखी और अरविंद केजरीवाल जी का संदेश आप सबके सामने दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, मगर आज भी उनके दिल में यह बात है कि इंडिया कैसे जीते, इंडिया का गठबंधन कैसे जीते। यह बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां आप अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजा दीजिए।
मैं अब मंच पे बुलाना चाहूंगा खुर्रम उमेर साहब को कि वो अपनी बात आपके बीच में रखें। खुर्रम उमेर साहब, मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के लीडर्स राहुल जी, खड़गे जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, तेजस्वी यादव जी और सभी हजरात, और देश के कोने कोने से आए हुए इस तारीखी रामलीला मैदान में मौजूद इंडिया गठबंधन के सपोर्टर और इंडिया गठबंधन के लीडर्स, आप सभी को मैं खुर्रम अनीस उमर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करता हूं और उसकी तरफ से आपको राम राम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल्ली का ये तारीखी रामलीला मैदान आज इस बात का गवाह है कि इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए 10 साल के एनडीए गठबंधन जो करप्ट करप्शन की इंतहा है, जो नफरत की इंतहा है, उसको मिटा देगा। ये इलेक्शन 2024 का एनडीए करप्शन का, एनडीए जुल्म का, एनडीए के नफरत की दुकान को मिटा देगा। आज इस तारीखी मैदान से राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान भी शुरू हो जाएगी। शायद ये राहुल गांधी जी का बहुत दिन बाद कोई प्रोग्राम है रामलीला ग्राउंड पर, स्पेशली खास तौर से मोहब्बत की दुकान आज यहां से शुरू करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं करूंगा, बहुत वक्त कम वक्त मुझे दिया गया है, मगर अरविंद केजरीवाल की धर्म जी की धर्मपत्नी और हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी यहां मौजूद हैं, तो मैं एक बार जोर से आप लोगों का समर्थन चाहूंगा। मैं भी केजरीवाल, मैं भी हेमंत सोरेन, मैं भी हेमंत सोरेन, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के सारे साथी केजरीवाल जी के साथ और हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं, यहां मौजूद हैं और अपनी गवाही यहां देते हैं। आप इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मंच पे इनवाइट करूंगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डी राजा साहब को। मंच पर बैठे हुए नेतागर भाइयों बहनों, कॉमरेड्स एंड फ्रेंड्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तरफ से आप सब लोग को क्रांतिकारी लाल सलाम। रेस्पेक्टेड लीडर्स ऑन द डायस, कॉमरेड्स एंड फ्रेंड्स, my party, the Communist Party of India, joins all of you to declare our common resolve to save India, to save constitution, to save democracy, and to defeat BJP. Desh bachao, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, बीजेपी हटाओ। दिस इज अवर कॉमन रिजॉल्व। वी डिक्लेयर इट एंड वी डेमोन्स्ट्रेट अवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ। मिस्टर मोदी, यू कैनॉट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड, द पीपल ऑफ इंडिया फॉर ग्रांटेड। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी to condemn the arrest
of Mr. Kejriwal, the chief minister, the elected chief minister of the elected government in Delhi, which is the national capital of India. Not only Mr. Kejriwal, several other leaders have been arrested. In Jharkhand, former chief minister Hemant Soren and several other leaders have been arrested. The government, union government, is using ED, income tax authorities and all central agencies to target the opposition parties, to strangulate the opposition parties, intimidate the opposition parties. Mr. Modi, this cannot succeed. Today, I recollect what Dr. Ambedkar said. Dr. Ambedkar, the prime architect of Indian Constitution, he said everyone should follow the constitutional method. Everyone should uphold the constitutional morality. Mr. Modi, are you following the constitutional method? Mr. Modi, are you upholding the constitutional morality? This is what people are asking. Friends, comrades, you should understand the country is facing a calamity, a big calamity, and we have to save our country. Constitution is said to be replaced. Our constitution defines India as a secular democratic republic. Our constitution talks about equality, liberty and fraternity. Our constitution talks about justice, social, political, economic. Now, Mr. Modi, the BJP, RSS, they try to replace our constitution. Can we allow this? I am asking all of you. Can we allow this? Our constitution can be replaced by obscurantist, medieval, illiberal, divisive, communal, fascist agenda by BJP, RSS combined. So friends and comrades, we will have to save our constitution. Otherwise, Modi will replace democratic republic as a theocratic country. मी सरपंच साबळे बोलतोय. सन्माननीय मनोज दादा जरांगे पाटील यांनी काल जो निर्णय दिला त्याचा आम्ही स्वागत करतो. सन्माननीय मनोज दादा हे आमचं दैवत आहे. ज्या ज्या वेळी